हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं रात को 9 बजे के इस क्लास में। रात को 9 बजे के इस क्लास में क्या करते हैं हम लोग, तो झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू को देखते हैं। क्या करते हैं? झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चन को देखते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, ये क्लास जेएसएससी एक्साइज कॉन्स्टेबल की बात करें चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात करें, उन एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि आप उन एग्जामों के लिए कितना प्रिपेयर हैं। चाहे जेएसएससी एक्साइज कॉन्स्टेबल की बात करें चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात करें, 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछे जाएंगे। तो झारखंड जीके की तैयारी आपकी कैसी है, इस क्लास को करने से आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा। ये क्लास कब होती है? रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास होती है। तो रोजाना रात को 9 बजे जुड़ जाएं हमारे साथ और इस क्लास में झारखंड जीके के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, क्लास कैसे होती है जो भी लोग नए हैं समझेंगे क्लास कैसे होती है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप लोगों को सही आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि उस क्वेश्चन का उन ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा। अगर आपको सही आंसर मालूम नहीं है तो आप गेस करने का प्रयास करेंगे कि उन ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो सकता है उस क्वेश्चन का। उसके बाद उस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा और उससे जुड़ी फैक्ट के बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्लास होती है, बहुत ही अच्छे से ये क्लास होती है और इस क्लास से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि आप झारखंड के एग्जामों के लिए कितना प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं और आज के इस क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ इस क्लास को भी लाइक करना ना भूले। बस आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, आइए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहां पे स्थित है? क्या होगा सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जिन लोगों को इसका सही आंसर मालूम है वो लोग कमेंट करके बताएंगे, जिनको मालूम नहीं है वो लोग ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे चावल अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहां पे स्थित है। बात करेंगे चावल अनुसंधान केंद्र की तो हजारीबाग में है। कहां पे है? हजार बागों का शहर, सिटी ऑफ 100 टाइगर्स, हजार बागों का शहर हजारीबाग में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में है चावल अनुसंधान केंद्र, कहां पे है? हजारीबाग में है। ठीक है, आइए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, यानी पूछा जा रहा है कि बेतला नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है। बेतला नेशनल पार्क की बात करेंगे, झारखंड में तो एक ही नेशनल पार्क है, झारखंड में तो बहुत सारे नेशनल पार्क है नहीं जो आपको बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में याद रखना है। झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है और झारखंड में जब एक नेशनल पार्क है तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही है। होता है ना, बाप का एक बेटा होता है तो लाडला होता है, बाप की एक ही बेटी होती है तो लाडली होती है। तो झारखंड का भी एक ही नेशनल पार्क है तो है लाडला है। किस लिए फेमस है बेतला नेशनल पार्क? कहां पे है? लातेहार जिले में है। किस लिए फेमस है? हाथियों के लिए, एलिफेंट्स के लिए फेमस है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेतला नेशनल पार्क की बात करेंगे, हाथियों के लिए ये फेमस है, एलिफेंट के लिए। हाथी जो कि झारखंड की स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, हाथी जो है झारखंड की राजकीय पशु है। तो बेतला नेशनल पार्क की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं बेतला नेशनल पार्क, और ये हाथी के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? हाथियों के लिए। कहां पे ये? लातेहार जिले में। ये है मैप में लातेहार जिला और इसी लातेहार जिले में आपको देखने को मिलेगा क्या? बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, आइए, झारखंड में कितने गांव को सोलर पावर से जोड़ने का जो
लक्ष्य है वो झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने गांव को सोलर पावर से, सोलर एनर्जी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा सोलर पावर से जोड़ने का जो टारगेट है वो कितने गांवों को रखा गया है? देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा 2024 तक, ये तो 2023 चल रहा है, तो 2024 के लास्ट तक ये टारगेट रखा गया है कि झारखंड के 1000 गांवों को सोलर एनर्जी से, सोलर पावर से जोड़ा जाएगा और उन गांवों में जो भी बिजली का उपयोग होगा वो सोलर एनर्जी से ही उत्पादन किया जाएगा। बिजली का जो कंजप्शन होगा वो सोलर एनर्जी से ही उत्पादन किया जाएगा। तो कितने? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1000। झारखंड के 1000 गांवों को सोलर पावर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है झारखंड सरकार के द्वारा। साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि गिरिडीह जिले को, किस जिले को? गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। गिरिडीह जिले की बात करेंगे, गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं झारखंड के 1000 गांवों को झारखंड सरकार के द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि सोलर पावर से जोड़ा जाए। झारखंड सरकार के द्वारा 5 जुलाई 2022 में झारखंड ऊर्जा नीति का लोकार्पण भी किया गया था, यानी झारखंड ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति का शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? तो झारखंड सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो सौर ऊर्जा नीति 2022 का जो लोकार्पण है वो 5 जुलाई 2022 में किया गया था। इसके तहत झारखंड सरकार के द्वारा कहा गया था कि झारखंड के 1000 गांवों को क्या किया जाएगा, सोलर एनर्जी के साथ जोड़ा जाएगा और गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। नोवामुंडी जो एशिया की सबसे बड़ी लोह अयस्क की खान है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? नोवामुंडी आप लोग सभी जानते हैं आयरन ओर की सबसे बड़ी माइन है पूरे एशिया में, भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी खदान है। कौन? नोवामुंडी। कौन सी खदान है? आयरन ओर की, यानी लोह अयस्क की खदान है। कहां पे है ये पता है किसी को? जो लोग झारखंड इकोनॉमी का क्लास हमारा देखे हैं, झारखंड इकोनॉमी के क्लास में प्रेजेंट थे, उन लोगों को इसका सही आंसर मालूम होगा, नोवामुंडी। जिन्हें मालूम नहीं है एलिमिनेट करने का कोशिश करें कि झारखंड में आयरन ओर कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। आयरन ओर के लिए झारखंड का कौन सा जिला फेमस है आयरन ओर के लिए, लोह अयस्क के लिए? तो बात करेंगे लोह अयस्क की, आयरन ओर की। आयरन ओर के लिए पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम जो है फेमस है, और नोवामुंडी की जो खान है, नोवामुंडी की जो माइंस है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, जो कि पूरे एशिया की आयरन ओर की सबसे बड़ी माइंस है। नोवामुंडी कहां पे? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। तो आप ये देख सकते हैं नोवामुंडी की माइंस कहां पे है, ये वेस्ट सिंहभूम है और आयरन ओर की सबसे बड़ी माइंस है, सबसे बड़ी खदान है लोह अयस्क की, ठीक है। कहां पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। तो ये है पश्चिमी सिंहभूम। अगर बात करें पश्चिमी सिंहभूम की तो झारखंड का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है, झारखंड का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे पश्चिमी सिंहभूम की, 16 जनवरी 1990 में, 1990, 16 जनवरी 1990 में पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना की गई थी। और पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है फेमस है आयरन ओर के लिए ही, लो अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। आइए, इनमें से झारखंड का कौन सा व्यक्ति जिसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो निम्न में से झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि निम्न में से झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया नहीं है, ठीक है। निम्न में से जो ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन में से झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया नहीं है, क्या होगा सही आंसर?
जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। पद्मश्री पुरस्कार किन्हें नहीं दिया गया है, किन्हें नहीं दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार? तो देखिए बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार की, तो अल्बर्ट एक्का जी को नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट एक्का की। अल्बर्ट एक्का जी को पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है, बल्कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अल्बर्ट एक्का जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें कहें आप परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अल्बर्ट एक्का जी के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी रखा गया है। अल्बर्ट एक्का जी की बात करेंगे 1971 में, 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे, तो इन्हें कोटि कोटि नमन है हमारी तरफ से, ठीक है। और इनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी रखा गया है, और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग याद रखें, अल्बर्ट एक्का जी। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कितनेवें जिले का निर्माण किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में एक नया जिले का निर्माण होगा, वो पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला होगा, वो पश्चिम बंगाल का कितनेवें नंबर का जिला होगा? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में एक नया जिले का निर्माण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में अब तक कितने जिले हैं? पश्चिम बंगाल में अब तक 23 जिले हैं। पश्चिम बंगाल के 24वें जिले का निर्माण होगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24। साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना, ये दो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, जैसे हमारा धनबाद, बोकारो, रांची, पलामू जिले है ना, उस तरीके से पश्चिम बंगाल के दो जिले हैं जिसका नाम है नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, यानी उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना। तो इन दोनों जिले के कुछ कुछ हिस्सों को लिया जाएगा और एक नया जिले का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा सुंदरबन। क्या नाम होगा? सुंदरबन। आइए बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ 24 परगना, ये आप देखिए साउथ 24 परगना, ये दो जिले हैं, ठीक है। आप देख लिए नॉर्थ 24 परगना, ये पश्चिम बंगाल का मैप है, पश्चिम बंगाल के मैप में दो जिले आप देखिए, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना। इन दोनों जिले के कुछ हिस्सों को लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा? तो आप सोचिए कुछ इस तरह का से, इन दोनों जिलों के कुछ हिस्से को लिया जाएगा और एक जिले का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा सुंदरबन, जिसका नाम क्या होगा? सुंदरबन। तो नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना के कुछ हिस्सों को अलग करके सुंदरबन जिले का निर्माण किया जाएगा, जो कि बंगाल का 24वां जिला होगा, वेस्ट बंगाल का 24वां जिला होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, वेस्ट बंगाल झारखंड के साथ, वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री शेयर करती है, या फिर झारखंड वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है, यानी झारखंड का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। तो झारखंड के कितने जिले? झारखंड के टोटल 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। ये झारखंड के आप 10 जिले देख सकते हैं, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामतोड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये है झारखंड के 10 जिले जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। वही बात करेंगे हम लोग झारखंड के जिलों की, तो टोटल 10 है, ठीक है। वही बात करेंगे झारखंड के पड़ोसी राज्यों की, तो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। आइए, भारत में तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के किस जिले में है? भारत में तांबा गलाने का, कॉपर को मेल्ट करने का सबसे बड़ा जो प्लांट है, सबसे बड़ा जो कारखाना है, वो कहां पे है? तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर देंगे क्या होगा इसका सही आंसर। कॉपर को मेल्ट करने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड में कहां पे है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बात करेंगे कॉपर को मेल्ट करने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड में है, हाँ जी झारखंड में है। कहां पे है? जहां पे सबसे ज्यादा कॉपर झारखंड में पाया जाता है। अरे एक बात बताइए, पनीर आपको कहां पे मिलेगा? जहां पे दूध ज्यादा पाया जाता है, जहां पे दारू मिलता है वहां पे आपको पनीर मिलेगा,
पनीर बनता किससे है? दूध से है। तो जहां पे दूध ज्यादा मिलता है पनीर भी आपको वहीं पे मिलेगा, जहां पे दारू मिलता है वहां पे पनीर मिलेगा आपको। सेम बात है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग कॉपर मेल्टिंग प्लांट सबसे बड़ा कहां पे मिलेगा? जहां पे कॉपर सबसे ज्यादा मिलता पाया जाता है, झारखंड में सबसे ज्यादा कॉपर पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है ये कारखाना भी ईस्ट सिंहभूम में ही पाया जाएगा, क्योंकि जहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं उसके आस पार में ही कारखाना लगाया जाता है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो कम हो करे। अगर सोचिए यही कारखाना पलामू में लगा दिया जाए तो पूर्वी सिंहभूम से जो कॉपर निकलेगा वो पलामू भेजना होगा मेल्ट करने के लिए। ये प्लांट पूर्वी सिंहभूम में ही है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, आसपास में ही लगाया जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम। पूरे भारत का कॉपर मेल्टिंग का सबसे बड़ा जो प्लांट है पूर्वी सिंहभूम में, कहां पे? पूर्वी सिंहभूम में HCL, ठीक है, HCL है शायद, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। आइए, झारखंड राज्य में पहली बार जनगणना कब हुई थी? हमारे झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सिंपल सी बात है एक चीज, भारत जो है, झारखंड जो है भारत का ही एक हिस्सा है ना, भारत से हम लोग अलग नहीं है। तो भारत में जब जनगणना हुई होगी तब हमें झारखंड में भी जनगणना हुई होगी, सही बात है कि नहीं? भारत में जब जनगणना हुई होगी तब हमारे झारखंड में भी जनगणना हुई होगी। तो झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो बात करें भारत की चाहे झारखंड की, 1872 में, 1872 में झारखंड में कहें चाहे भारत में कहें पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है। आइए, तो जनगणना पूरे भारत में पहली बार 1872 में हुआ था, ठीक है। हाल ही में झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दिया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया था जिसका नाम है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। झारखंड के कुछ जिलों को, कुछ के लगभग सभी जिलों को झारखंड सरकार के द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। किसानों को मदद करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को लाई गई थी और इस योजना के तहत झारखंड के किसानों को कुछ अमाउंट जो है दिया गया, जिसे हम लोग सहायता राशि कह सकते हैं। हालांकि किसानों का इतना जो फसल बर्बाद हुआ है उसकी भरपाई तो सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन सहायता राशि के रूप में कुछ पेमेंट जो है, कुछ राशि जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है किसानों को। तो कितनी राशि दी गई है, क्या होगा सही आंसर? मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि दी गई है, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन को एक बार आप लोग जल्दी से पढ़ेंगे और क्या होगा सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत झारखंड के किसानों को सहायता राशि के रूप में 3500 रुपए की राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3500, क्या होगा 3500। तो आप ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना और झारखंड के लगभग 226 प्रखंड को, लगभग 226 ब्लॉक को, 22 जिले, तो आपको कहा गया कि लगभग सभी जिलों को, झारखंड में जिले हैं 24 जिनमें से 22 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, लगभग सभी जिले। तो 3500 रुपए की सहायता राशि जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए, जेएमएम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी इसी पार्टी के हैं, इसी पार्टी की सरकार अभी झारखंड में चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, जेएमएम की बात करें, विनोद बिहारी महतो के द्वारा, किसके द्वारा? विनोद बिहारी महतो के द्वारा। कब किया गया था? 1973 में। कब किया गया था? 1973 में, 4 फरवरी 1973 में, समझिए 4 फरवरी 1973 में विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी।
तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विनोद बिहारी महातो। ठीक है, तो जेएमएम की बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे, 4 फरवरी 1973 में विनोद बिहारी महातो के द्वारा। झारखंड को और किस नाम से जाना जाता है, झारखंड को क्या कहते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड का मतलब क्या है, झारखंड शब्द का अर्थ क्या है, झारखंड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, झारखंड का अर्थ क्या है। तो झारखंड का अर्थ है झाड़ यानी जंगल, खंड यानी क्या, टुकड़ा, जंगलों का टुकड़ा, जंगलों की भूमि, जंगलों का प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जंगल, जंगल का प्रदेश। झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, झाड़ जंगल, झाड़ तो झाड़ का मतलब होता है जंगल, खंड मतलब भूमि का एक टुकड़ा होता है, तो जंगलों की भूमि का टुकड़ा या फिर जंगलों की भूमि, जंगलों का प्रदेश एक ही बात है, तो जंगलों का प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में जंगल पाए जाने के कारण झारखंड को झारखंड नाम दिया गया, और इसे जंगलों के प्रदेश के नाम से, जंगलों की भूमि के नाम से, लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा जी का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे। तो जस्टिन करकेट्टा जी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, इनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। तो ये झारखंड के कौन से खिलाड़ी थे, किस खेल से इनका संबंध था, क्या होगा सही आंसर। जस्टिन करकेट्टा जी की बात करेंगे तो झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जस्टिन करकेट्टा जी हॉकी खिलाड़ी थे। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन करकेट्टा जी का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो हॉकी से संबंधित थे, और ये आप देख सकते हैं जस्टिन करकेट्टा जी। ठीक है, तो ये झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। चलिए, जयपाल सिंह मुंडा जिनकी, अच्छा जयपाल सिंह मुंडा किस साल में ओलंपिक की कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने किस साल में ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। क्वेश्चन को समझेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में किस वर्ष गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है, क्या होगा सही आंसर। तो जयपाल सिंह मुंडा जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, तो इनकी कप्तानी में कब जो है ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा 1928। जयपाल सिंह मुंडा जितने अच्छे एक लेखक थे उतने ही अच्छे एक नेता भी थे, और जितने अच्छे ये एक नेता थे उतने ही अच्छे ये एक हॉकी खिलाड़ी भी थे। 1928 में ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी बने हैं, और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बनकर ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल भी दिला चुके हैं जयपाल सिंह मुंडा, जिनका झारखंड के निर्माण में बहुत अहम योगदान रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1928 में। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा ये देख सकते हैं 3 जनवरी 1903 में, कब, 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, झारखंड के निर्माण के योगदान की बात करें, झारखंड के निर्माण के आंदोलन की बात करें, तो उन सब में इनकी बहुत अहम भूमिका जो है वो देखने को मिलती है। यही कारण है आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। झारखंड में वैसे बहुत खिलाड़ी आए हैं, बहुत खिलाड़ी चले गए हैं, क्यों हम पढ़ते हैं, सभी खिलाड़ी के बारे में पढ़ते हैं क्या, झारखंड के लिए इन्होंने कुछ किया है, इनका योगदान झारखंड के लिए देखने को मिलता है, इनका जीवन झारखंड के ऊपर समर्थन है, समर्पित है, इसलिए पढ़ते हैं इनके बारे में, है कि नहीं। चलिए, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो कि झारखंड के सिंदरी में है, सिंदरी किस जिले में आता है। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो कि झारखंड के सिंदरी में है, तो सिंदरी कौन से जिले में आता है, कौन से जिले में है सिंदरी,
यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना झारखंड के किस जिले में है? भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना झारखंड के किस जिले में है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। झारखंड की, भारत की कोल कैपिटल, भारत की कोयला राजधानी धनबाद में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद में है सिंदरी। सिंदरी में बीआईटी सिंदरी भी, सिंदरी को बीआईटी सिंदरी भी कहा जाता है। और सिंदरी में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है जिसे हल कहते हैं, एच यू आर एल। क्या कहते हैं? एच यू आर एल, हल। तो ये आप देख सकते हैं सिंदरी का उर्वरक कारखाना, और ये जो उर्वरक कारखाना है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है, इसे हल कहा जाता है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, एच यू आर एल, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। कहां पे है? सिंदरी में है। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहां पे? सिंदरी में। ठीक है, सिंदरी कहां पे? धनबाद में है। धनबाद, ये है मैप में धनबाद, देख सकते हैं। धनबाद की स्थापना 1956 में, 1956 में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए पेन को रखते हैं, समझते हैं। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने, किस जिले के खिलाड़ी इंद्रजीत ने न्यूजीलैंड में बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब जो है वो जीत लिया है? तो इंद्रजीत की बात करेंगे, इन्होंने न्यूजीलैंड में बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब जीता है। किसने? इंद्रजीत ने। ये झारखंड के किस जिले के खिलाड़ी हैं? क्या होगा सही आंसर? किसी को पता है? किसी को पता है सही आंसर क्या होगा? तो बात करेंगे इंद्रजीत की। इंद्रजीत जो है न्यूजीलैंड में जो पावर लिफ्टिंग का चैंपियनशिप आयोजित किया गया था उसमें इन्होंने जीता है। ये रांची के है। कहां के हैं? रांची के हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। कहां के ये? रांची पे हैं। इंद्रजीत की बात करें, ये आप देख सकते हैं इंद्रजीत, ठीक है, और पावर लिफ्टिंग का खिताब जो है इन्होंने न्यूजीलैंड में जीत लिया है। ये रांची के हैं, इंद्रजीत, इंद्रजीत सिंह, इसका नाम क्या है? इंद्रजीत सिंह। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास, और आई होप सो कि आज के क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस के बारे में बात किए, सभी क्वेश्चंस के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे, और सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा किए हैं, सभी को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। जिस तरीके से आज आप लोग इस क्लास को अटेंड किए, ये क्लास रोजाना होती है रात को 9 बजे, तो रोजाना रात को 9 बजे इस क्लास के साथ जुड़ जाएं और इस क्लास को कंटिन्यू करें। जेएसएससी के एक्साइज कांस्टेबल और सीजीएल के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू को देखते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।